सो हेलो गाइस, स्वागत है यार वापस से एक और नई वीडियो के अंदर। आज वापस आए हैं आईक्यूनिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। हमने ना इस फोन को यूज करते करते कम से कम 6 महीने हो गए, 6 महीने से थोड़ा ज्यादा ही हो गया, मैं थोड़ा लेट हो गया। और मैं वीडियो चालू करने से पहले ना एक और चीज बताता हूँ भाई, मैंने अपने फोन पैसों से खरीदा, तो ये मैं सोच रहा कि भाई मैं उनके बारे में अच्छा बता रहा हूँ, उसके बारे में बेकार बता रहा हूँ। भाई जो मैं पर्सन लगाना वही बता रहा हूँ मैं सीधा सीधा, तो भाई ये मैं सोच रहा कि पैसे खाए हैं ये कुछ करा। तो रिव्यू के अंदर भाई एक भी पर्सन का झूठ नहीं होने वाला, जो मैंने एक्सपीरियंस करा सारी सारी चीजें वही बता रहा हूँ। वहीं पर अपडेट की बात करूँ, मेरे पास कुछ 5 अपडेट पहले से आ चुके हैं, आज एक और अपडेट आया छठा। तो मैंने सारे अपडेट करे हैं, जो भाई आज वाला अपडेट आया उसको भी मैं थोड़ी देर कल या परसों में एक और वीडियो डाल। सारे लोगों ना ये भी डाउट रहता है कि भाई ना एंड्रॉइड के अंदर अपडेट करते तो फोन खराब हो जाता है या फिर थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हो जाती है, तो वो भी बात कर लेंगे भाई जितने मैंने अपडेट करे हैं उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो यहाँ पर ग्राफिक्स सेटिंग की बात करो, आपको स्मूथ में 90 FPS मिल जाता है, बैलेंस के अंदर आपको एक्सट्रीम, HD के अंदर एक्सट्रीम, HDR में एक्सट्रीम और अल्ट्रा HD के अंदर अल्ट्रा देखने मिलता है। एंटी अलियासिंग की बात करूँ 2x पे मैंने कर दिया, और जो वॉल्यूम वाली बात है ना उसको ही मैंने अल्ट्रा पे कर दिया, जिससे कि भाई असली परफॉर्मेंस देखने को मिल सके। और मैं आपको यहाँ पर काफ़ी सारी काम की चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको इस फोन को लेने से पहले जरूरत पड़ सकती है। तो चलो यहाँ पे गेमिंग मोड की बात करते हैं, आपको इसके अंदर गेमिंग मोड देखने को मिल जाता है, काफ़ी दिखने में तो काफ़ी अच्छा है। आई थिंक भाई 100 में से जो भी देखता होगा उसमें 90 लोगों को पसंद आता होगा, काफ़ी अच्छा है दिखने में भाई, लगता है कि हाँ भाई गेमिंग मोड ऐसा है। और यहाँ पर मॉन्स्टर मोड है, एक बैटरी से और मोड बैलेंस मोड, कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं भाई, मगर जब भी लोग कहते हैं मॉन्स्टर मोड के अंदर फर्क है तो भाई मॉन्स्टर मोड पर लगा के खेलेंगे। साथ साथ मैंने यहाँ पर टेम्पर्ड ग्लास भी रखे, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। चलो जायरो की बात करते हैं, काफी सारे लोग मन में ना मैं 90 FPS 60 FPS वाला भी निकालता हूँ, मैं आपके दिमाग से थोड़ी देर अभी रुको। सबसे यहाँ पे जायरोस्कोप की बात करते हैं, जायरोस्कोप में कोई भी दिक्कत नहीं आ गया, आपको 60 FPS में खेलो या 90 FPS के अंदर, यहाँ पे जायरो में एक भी परसेंट का कुछ भी डिले देखने को नहीं मिलता, आपको बिल्कुल एक्यूरेट जायरो देखने को मिल जाएगा। तो अभी 90 FPS का मैच देखो, मैं अपनी आंखों से देखो तो आपको पता चल रहा है, वो करो फिर मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। साथ साथ मैंने अपना 60 FPS पे कर दिया ना इसको, तो जिसके 60 FPS पे आपको एक बार परफॉर्मेंस देखने में मिल जाए TDM के अंदर। तो मैं साथ साथ ना बैटरी आपको आखिर ही बता दूँ, उसकी चिंता ही मत लेना। तो यहाँ पे मैंने 60 FPS में ना ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी मैंने परफॉर्मेंस देखी, मेरे को काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस लगी, बिल्कुल कॉन्स्टेंट चला था, 58 to 60 FPS तक ही लगातार लेके चल रहा था बिल्कुल TDM के अंदर। काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं भाई ये तो बेसिक है, स्मूथ में 60 FPS तो कोई भी फोन कर लेता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पर HDR एक्सट्रीम करके देखते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ, उसके लिए सीधा पता चल जाएगा, स्मूथ स्क्रीन पर पता चलेगा, HDR एक्सट्रीम का पता चल जाएगा एक तरीके से कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है। और काफ़ी सारे लोगों के मन में ये भी रहता होता है काट काट के दिखा दे, थोड़ी बहुत FPS का थोड़ा बहुत चेंज होता रहा हो, तो भाई यहाँ पे आप देख लो एक फाइट मैंने थोड़ी जो थोड़ा टाइम लगा दिया जैसे एक तरीके से आपको दिखाने के लिए FPS। तो भाई जो मैंने शुरुआत में बोला था ना आपको कुछ काम का बताऊंगा वीडियो के अंदर, तो बस वही चालू होने वाला है। देखो फिर ना टेम्परेचर आपको दिखाया, तो मैंने जितने भाई कम से कम आधा घंटा हो गया मुझे खेलते खेलते, टेम्परेचर बिल्कुल भी बड़ा नहीं, 32 पे 35 पे गया HDR एक्सट्रीम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद भी। तो यहाँ पर हम 90 FPS की बात आती है, तो 90 FPS में ना सीधे सीधा गेम प्ले छोड़ो, बाद में आपको एक काम की बात बताता हूँ। तो गेम प्ले भाई 90 FPS की एक बार बात करूँगा तो बिल्कुल टट्टी है भाई, बिल्कुल 60 FPS लगातार चलता रहता है, 60 FPS 60 FPS 90 FPS ये नाम का। तो आपके मन में ना एक और फोन होगा Redmi Gift A के अंदर, उसके अंदर 90 FPS का, आपको सोच रहे हो कि भाई ये वाला लूँ या वो वाला लूँ 90 FPS के लिए। तो चले ना मैं आपको एक चीज़ बताना चालू करता हूँ शुरुआत से, कभी भी आपको कोई 60 FPS वाला फोन है ना उस पर 40 FPS स्विच करना और उस पर 60 FPS पे वापस खेलना, 40 FPS पे जाने का आपको पता चलेगा भाई जमीन आसमान का फर्क है। वहीं पर आप 60 FPS कभी आपको किसी का भी हो भाई दोस्त दोस्त का, कभी 60 FPS पे 90 FPS पे दोनों पे ट्राई करके देखना, बिल्कुल 2% से ज़्यादा का कोई फर्क दिखाई नहीं देखने लगा, बस 2% का फर्क होगा, बिल्कुल इतना छोटा सा फर्क जिसको भाई समझ भी नहीं। मैं तो अभी फर्क की बात कर रहा था कि इतना कुछ ज़्यादा 60 FPS से और 90 FPS से फर्क नहीं है। Redmi Gift A की बात पर आते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों ने Redmi Gift A लिया हुआ है, काफ़ी बोलते अच्छा चल रहा है मेरा, काफ़ी बोलते अच्छा नहीं चल रहा है, और काफ़ी सारे बोलते कि भाई मेरा बेकार सा चल रहा है, बिल्कुल दिक्कत आ रही है। तो मैं देखो अपना एक्सपीरियंस बताना चालू करता हूँ। सबसे पहले फोन लोगे ना कम से कम ये फोन कम से कम को 12-14 दिन बिल्कुल परफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, आपको उसके अंदर दिक्कत ही बताऊंगा मैं, काफ़ी सारी दिक्कत है जो बताता नहीं है भाई कोई भी नहीं बताता। तो चलो ना चालू करता हूँ बताना। तो जब आपने Redmi Gift A लगा कम से कम आपको 12 या 13 दिन में बिल्कुल परफेक्ट फोन चलता दिखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, नॉर्मल जैसे चल रहा होता ना वैसे चलेगा। देन आपके 15 या 20 दिन हो जाएंगे ना उसके बाद ना, एक तो मैं तो बता रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला जो हाल है ना आपको शुरुआत से देखने को मिल जाएगा, जब आपको पहले दिन फोन आएगा ना पहले दिन नहीं कम से कम 4 या 5 दिन बाद आपको खुद पता चलने लग जाएगा भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग से 90 FPS। तो देखो काफ़ी सारे लोग ना कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि मेरा फोन काफ़ी अच्छा चल रहा है, IQ Nexus वाले बंदे को मैं बता रहा हूँ, मैं Redmi वाला दोनों को बता रहा हूँ,
अब सारे के सारे बोलते हो भाई फोन बढ़िया चल रहा है, ठीक है हाँ भाई मैंने माना, मगर कभी अपने FPS देखे हैं? कभी ये बंदे जो बोलते हैं ना कि भाई हाँ बढ़िया चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, उन्होंने कभी FPS मीटर खोल के वीडियो बनाते ही नहीं है, उनको बस गेम प्ले करना होता है। गेम प्ले में क्या पता चलेगा भाई, FPS ओनली भाई, अगर आप आंखों से FPS देखोगे जब आपको पता चलेगा। एंड वन मोर थिंग भाई, मैं ना फैक वैक ऐसी कुछ नहीं रहा हूँ, अगर किसी का रेडमी गिफ्ट है ना भाई, मेरे साथ आओ 30 मिनट खेलो और एक वीडियो बना लो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, 30 मिनट के अंदर मेरे को भेज दो, मैं उसके अंदर आपको 5 या 10 का बोलूं भाई, मैं कम से कम उसके अंदर 6 या 7 बार दिखा दूंगा कि उसके अंदर फ्लक्चुएशन होगी कि 90 FPS 60 FPS पे अटक गया। और आपने कमेंट सेक्शन के अंदर काफी सारे बंदों को लड़ाई करते हो देखो, भाई मेरे को भी पसंद नहीं आया लड़ाई करने वाले बंदे, सच बताऊं ना भाई तुम्हें यार, तुमने दोनों फोन यूज़ करे हैं नहीं करे हैं, तुम्हें पता है नहीं पता है, तुमने कभी FPS मीटर खोला है नहीं खोला है, बस तुम गेम खेलते हो, खोलते हो फोन को, गेम चालू करते हो, खेलते हो, तुम्हें छोटे मोटे लाइक दिखते हो बिल्कुल छोटे छोटे, तुम्हें लगता है कि हाँ भाई काफ़ी बढ़िया चल रहा है, कभी FPS मीटर खोला है? क्योंकि 60 FPS और 90 FPS में कोई डिफरेंस नहीं है, तो वैसे ही कुछ पता चलता नहीं होगा इन्हें कि FPS मीटर बिना देखे भाई कैसे बता सकता है कि बंदा 60 FPS पे चल रहा है 90 FPS। मैंने आपको जब भी शुरुआत में ये बताने की ट्राई करी थी कि भाई 60 FPS और 90 FPS में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, 0% का डिफरेंस है। तो बस एक पॉइंट ये रेडमी के FPS क्या है, रेडमी के FPS इसलिए बेटर आई क्यू से अगर आप बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के खेल रहे हैं, अगर आप यूट्यूब पे ले रहे हैं ना, आप ये सोच के ले रहे हैं कि भाई मैं 90 FPS खेलूंगा, देखो भाई एक बात है, अगर आप आई क्यू का भी रिव्यू देख रहे हो उसका मतलब आपका बजट है, और रेडमी के FPS का तो बजट हो गई अगर इतना भाई महंगा फोन देख रहे हो, तो तब दोनों फोन देख रहे हो सोच रहे भाई यूट्यूब के लिए कौन सा लूँ, तो भाई यूट्यूब के लिए जैसे कोई दिक्कत तो दोनों में से नहीं है, रेडमी के FPS में स्क्रीन रिकॉर्डिंग में लैग होता है, आई क्यू में भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में लैग होता है, वहीं पे बात करो 60 FPS का, आई क्यू का 60 FPS ज़्यादा बढ़िया है, मगर ऑन द सेम साइड ना भाई रेडमी के FPS का बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के 90 FPS बहुत कम से कम 4 गुना ज़्यादा बढ़िया है रेडमी आई क्यू, वहीं पे मैं ना आई क्यू का 60 FPS की बात करूँ तो वो 2 गुना ज़्यादा बढ़िया है रेडमी के FPS के 60 FPS स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। तो ना एक बात ये होगी, अगर आपको 90 FPS में नॉर्मल खेलना है, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं, 60 FPS पटक जाता है, मैं भी 60 FPS तो चल ही रहा है, वही बात हो जाती है यहाँ पे रिक्वायरमेंट की बात हो जाती है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट चलती है, तो आपको मैं ना एक ऑप्शन से देता हूँ, मैं 2 ऑप्शन देता हूँ भाई अपने हिसाब से देखना, चेक कर लेना कि आपको क्या हो रहा है। चले तो भाई अगर आप रिव्यू देख रहे हो तो वापस से बोलूँगा आपको 30,000 रुपये तो होंगे, आपका दोनों का बजट बनता है, अगर नहीं बनता है भाई रेडमी गिफ्ट बनता है रेडमी गिफ्ट की तरफ चले जाओ, वरना आइकनिक्स का बनता है तो मैं आप बात बताता हूँ आपको। तो आइकनिक्स के अंदर भाई एक ही डिसएडवांटेज है कि उसके ना क्लासिक के अंदर 90 FPS बेकार चलता है, अदरवाइज हर चीज़ में परफेक्ट परफेक्ट एंड परफेक्ट, आप भाई 60 FPS खेलो, मैं बता रहा हूँ iPhone 11 जो लोग कहते रहते हैं iPhone 11 के बराबर बिल्कुल इक्वल परफॉर्मेंस पर 60 FPS में तो जो फोन चलता है ना भाई, मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल लैग फ्री, एक बीच में जिटर एक जिटर देखने के लिए नहीं मिलेगा भाई, और वो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ साथ बात कर रहा हूँ, वहीं पे मैं बात करूँ ना कम से कम आप 2.5 घंटे आराम से लगातार भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे ना आई क्यू में 60 FPS में काफ़ी अच्छा चल जाएगा भाई, गिनती है ना 2 या 3 लैग्स से छोटे छोटे लैग देखने मिल जाएंगे, अदरवाइज भाई 9 लैग्स 60 FPS में बता रहा हूँ मैं, 60 FPS बिल्कुल आईफोन 11 के बराबर ही परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा। तो दोनों के दोनों फोन भाई बढ़िया, दोनों में से कोई भी आप उठा सकते हैं, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आईक्यूनिक्स के अंदर आपको खेलना है तो 60 FPS के अंदर खेलना पड़ेगा आपको क्लासिक को, अदरवाइज आप टीडीएम को 90 FPS पे खेल सकते हैं, मगर बस आपको एक एडवांटेज इसके अंदर रेडमी के अंदर दिखाई देती है कि आप क्लासिक को भी 90 FPS में खेल सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, क्लासिक के अंदर भी कभी कभार ऐसा होता है बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के भी 60 FPS पे स्टक हो जाता है, पर बहुत कम चांस ही होते हैं कि भाई 60 FPS पर अटक जाए, 90 FPS चलता रहता है बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के। तो मैं अपने हिसाब से देखूँ अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो मैं बोलूँगा आईक्यू 6 का 60 FPS काफ़ी बढ़िया है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ एज कम्पेयर टू भाई रेडमी गिफ्ट का 60 FPS स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। और तो मैं आखिरी आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, अगर आप कॉम्पिटेटिव खेलोगे 60 FPS पे खेलोगे या 90 FPS पे खेलोगे तो बस अपने हिसाब से चूज़ कर लेना, अगर आपको 60 पे खेलना है तो आईक्यू 6, अगर आपको 90 पे खेलना पसंद है तो भाई रेडमी गिफ्ट है, और वहीं पर 90 FPS की फ्लक्चुएशन की बात करूँ ना आपको, अगर आप कॉम्पिटेटिव खेल लेना आप ये समझ के चलना भाई 70 या 80 के बीच में ही चलता हुआ दिखाई देगा रेडमी गिफ्ट के अंदर, 70 से लेके 85 से कभी कभार चला जाएगा, मैं आखिरी के जोन में 70 के लाइन में चलेगा 65 to 75। तो काफ़ी सारे लोग ये भी सोचते हैं कि भाई अगर जैसे हमें 60 से थोड़ा सा भी ज़्यादा मिला तो 60 FPS से तो ज़्यादा ही हुआ, मगर ये ऐसा नहीं होता यार, जितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है उतना ज़्यादा लैग फील होगा, अगर आप 90 FPS पे खेल लो 70 पे जाएगा तो उसी समय लैग फील होगा, तो ये नहीं है कि भाई 60 से थोड़ा ज़्यादा मिल रहा तो अच्छा ही है, ऐसा कुछ नहीं, अगर आप 90 से 60 पे जाओगे या फिर 90 से आपका फोन सीधा जा रहा है 80 पे तो आपको लैग फील होता है, तो भाई इसका भी थोड़ा बहुत ध्यान रखा करो कि काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि भाई 60 में तो ज़्यादा ही मिल रहा है, 60 वाले से तो ज़्यादा ही बढ़िया है, तो बस ऐसा नहीं है यार, लोग ना कॉन्स्टेंट गेमिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू 90 FPS, तो आपके ऊपर है भाई आपको जैसा जो लेना है, मेरे हिसाब से तो आईक्यू 6 आपके लिए काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है, अगर आपको पूरा परफेक्ट फोन चाहिए, आपको गेमिंग भी करनी है, कैमरा भी यूज़ करना है, यूट्यूब पर वीडियो डालनी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप 60 FPS पर आराम से खेल सकते हैं, कोई लाइक देखने के लिए नहीं मिलेगा, मैं भी काफ़ी टाइम से वीडियो डाल रहा हूँ आईक्यू 6 से, ऐसी कोई दिक्कत मुझे नहीं आई, सो दोनों फोन परफेक्ट है यार, दोनों फोन में कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका कम बजट है तो आप रेडमी गिफ्ट की तरफ, अगर आपका ज्यादा बजट है तो आप आईक्यू 6 की तरफ जाओ, दोनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप यूट्यूब की वीडियो डालनी है आप आईक्यू 6 की तरफ रिकॉर्ड कर सकते हैं, बस आपको ये करना 60 FPS पे शिफ्ट कर देना। तो चलो यार आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी और आईक्यू 6 या रेडमी गिफ्ट की वीडियो देखनी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, और वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक भी करके चले जाना। तो चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो के अंदर।